दोस्तों, स्मार्ट टीवी की इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन चल रहा है कि हर ब्रांड आगे बढ़ना चाहता है। हर ब्रांड सोच रहा है कि मेरा प्रोडक्ट बिके और उसके लिए प्राइसिंग कम रख रहा है या कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स दे रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है मेट्स, उन्होंने अपने 4K टीवी लॉन्च कर ली है और आपको मैं इस वीडियो में पूरी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, सारे डिटेल्स बताऊंगा और आपको क्या ये वैल्यू फॉर मनी दे रहा है कि नहीं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जर्मन ब्रांड मेट्स ने उनकी जो 4K टीवी है उसमें दो वेरिएंट लॉन्च किए, एक 50 इंच की है और एक 55 इंच की। तो 55 इंच वाला जो मॉडल है वो मुझे काफी पसंद आया है और अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ 20 वॉट का स्पीकर आउटपुट दिया गया है, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है, वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है, टीवी में आपको ब्लूटूथ देखने मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कंटेंट प्रोवाइडर की तो यहाँ पर आपको अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और सारे के सारे ऐप्स परफेक्टली चलने वाले और इसी टीवी में आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों, बात करें इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 8.0 ओरियो देखने मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें इस टीवी के प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो GPU है वो माली 450 है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको इस टीवी में क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है जिसके थ्रू आप मोबाइल का कंटेंट टीवी पे प्ले कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है टीवी में, उसका पैनल या डिस्प्ले बोल सकते हो। यहाँ पर A+ ग्रेड का पैनल यूज किया जिसके थ्रू आपको पिक्चर क्वालिटी एकदम ऑसम मिलने वाली है, व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है इसी टीवी में। दूसरी बात, यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट मिल रहा है, हाई डायनेमिक रेंज, जिसके थ्रू जो कलर है रिप्रोड्यूस करके काफी अच्छी तरह से दिखेंगे। तो आपको अच्छे व्हाइट और अच्छे ब्लैक्स परफेक्टली इस टीवी में आपको देखने मिल जाएंगे। दोस्तों, बात कर ले इस टीवी के बिल्ड क्वालिटी की तो पूरी टीवी जो बनी हुई है प्लास्टिक की बनी हुई है, दूर दूर तक आपको मेटल देखने नहीं मिलने वाला इस टीवी में। लेकिन इसके जो बीजल है और बीजल डिजाइन बोल सकते हैं वो बहुत पतले हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ही सुंदर आपको इस टीवी में देखने मिलेगा। इसी के साथ ही साथ इन्फिनिटी डिस्प्ले है, जो इन्फिनिटी डिस्प्ले के थ्रू होता क्या है कि आपका जो स्क्रीन है पूरा कवर हो जाएगा पिक्चर से, जब आप टीवी देखोगे तो आपको बीजल दिखेंगे ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस टीवी का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वारंटी की तो यहाँ पर जो मेट्स जर्मन ब्रांड है उन्होंने 2 साल की वारंटी थी, ये बाकी ब्रांड की अगर मैं बात करूँ जैसे वीयू, JVC, थॉमसन, ये आपको 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी देते, लेकिन यहाँ पे जो जर्मन ब्रांड मेट्स है उन्होंने आपको 2 ईयर्स की वारंटी दी है। एक प्लस पॉइंट ऐड होता है इस कैटेगरी में, अगर मैं बजट कैटेगरी में देखूँ तो यहाँ पे 2 ईयर्स की वारंटी आपको कोई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी मेट्स ब्रांड दे रहा है। इसी के साथ ही साथ आपको 250 सर्विस सेंटर मिलते हैं जिसके थ्रू आपका जो सर्विस का आफ्टर सेल सर्विस होगी काफी अच्छी होने वाली है इसी ब्रांड में। सो दोस्तों, यही थे पूरे डिटेल स्पेसिफिकेशन इस टीवी के बारे में। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में तो यहाँ पर जो 50 इंच वाली टीवी है, 4K 50 इंच वाली जो टीवी है उसका प्राइस रखा हुआ है 37,000 और जो उसकी 55 इंच वाली टीवी है जो बहुत डिमांड में है उसका प्राइसिंग रखा हुआ है कुछ 43,000 रुपीज। और दोस्तों, ये टीवी अमेजोन पे अवेलेबल है, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए, फुल डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ साथ आप वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं समराइज करूँ इस टीवी को तो यहाँ पर आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिल रही है, बाकी ब्रांड्स आपको 1 ईयर की वारंटी देते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस टीवी के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे आपको बीजललेस डिजाइन मिल रही है, डिजाइन काफी सुंदर है, काफी ब्यूटीफुल देखने में लग रही है इस टीवी। इसी के साथ साथ जो इन्फिनिटी डिस्प्ले एक नया फीचर बोल सकते हो या नया टेक्नोलॉजी इस टीवी में देखने मिला जिसके थ्रू स्क्रीन फुल कवर हो जाएगा टीवी में, तो आपको बीजल नहीं देखने मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस टीवी में। और दोस्तों, पैनल भी काफ़ी अच्छा है A+ ग्रेड का, तो पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है इसी टीवी में। और दोस्तों, इसी ब्रांड ने लॉन्च की थी उनकी फुल HD और HD टीवी, तो उनका भी प्राइसिंग में और डिटेल आपको बता देता हूँ कि उसमें आपको 32 इंच की टीवी मिल जाएगी और एक 40 इंच की टीवी है। उसके प्राइसिंग की बात करें तो जो 32 इंच वाली टीवी है उसका प्राइस रखा हुआ है 13,000 रुपये और इसी ब्रांड का जो 40 इंच वाला टीवी है फुल HD टीवी उसका प्राइसिंग रखा हुआ है 21,000 रुपये। और दोस्तों, स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ फुल HD और HD में तो यहाँ पे आपको सिर्फ पोर्ट्स कम कर दिए हुए हैं, 4K के टीवी के कंपैरिजन में आपको 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। टीवी के रिमोट में आपको नेटफ्लिक्स का डेडिकेटेड बटन आपको फुल HD और HD टीवी में देखने में नहीं मिलेगा, तो यही कुछ डिफरेंसेस हैं। और दोस्तों, मैं आपको चारों ही टीवी की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए, फुल डिटेल में देख सकते हो। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, जिसके लिए आपको 1 भी रुपए नहीं देने, कंप्लीटली फ्री है। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ID है हैप्पी गाइड, बाय बाय।